नमस्कार और स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जारी किए गए लोक शिक्षण संचालनालय के उस आदेश को लेकर है जो एमपी टेट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, जिनका जानकारी जेएफएमएस पोर्टल पर फीड करने के निर्देश लोक शिक्षण की तरफ से जारी किए गए थे। तो दोस्तों 15 तारीख को यह आदेश आया था, उसके बाद जो है आज से अतिथि शिक्षकों की फीडिंग के संबंध में जो स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, वहां से जानकारियां संकुल स्तर पर भेजी जानी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपके संकुल में अभी तक जानकारी नहीं मंगाई गई है या आपके डाटा को जेएफएमएस पोर्टल पर फीड करने संबंधी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को अपनाएं। चले दिखाते हैं आपको कंप्लीट जानकारी। दिखाने से पहले यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया था लोक शिक्षण की तरफ से, उसको यहाँ पर दिखा देते हैं। इस आदेश को आपने देखा है, जाना है, अच्छे से समझ लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल की तरफ से यह आदेश है 15/9/2023 का। इस आदेश के बारे में लगभग प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को जानकारी हो चुकी है, जो संकुल प्रचार हैं उनको भी और जो संस्था प्रचार हैं प्रधान हैं उनको भी समस्त को जानकारी हो चुकी है। लेकिन जो अभी भी जानते हुए भी बोलते हैं कि हम आपको ऐसा नहीं पता है, तो यहाँ पर उनकी लिए यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए और सभी संकुल प्राचार्यों के लिए लोक शिक्षण ने ही जारी कर दिया है। किसी भी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अगर वहाँ के जिले में स्पेशल नहीं जारी किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोपाल से ही सभी संकुल प्राचार्यों को जारी कर दिया है। तो मामला वही है जो 23-24 यानी वर्तमान वाले शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और पात्रता परीक्षा जो एमपी टेट होता है उसका उत्तीर्ण किए हुए हैं, उनका जानकारी जेएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करना है। इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि 19, 22 और 23 का जो परीक्षा पास किए हैं उसका प्रति छाया प्रति के रूप में लगाना है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर उनका रिकॉर्ड भी रखना है। ये 6 बिंदुओं के तहत उनकी जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर एमपी परीक्षा पास है कि नहीं, यस नो, और पास है तो उनका जो है 19, 22 और 23 का अंकसूची लगेगा। पात्रता परीक्षा किस कैटेगरी की पास चाहें, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, आवेदक किस कैटेगरी से है, प्रवर्ग से है, एस सी एस टी जनरल, आवेदक का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा प्रावधान क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे बताया हुआ है कि सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं अपने जिले के अधीनस्थ समस्त संकुलों से जानकारी जो दिनांक 26/9/2023 तक आवश्यक रूप से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएस कुशवाहा हैं जो कि संचालक, इनके द्वारा जारी किया गया था आदेश 15 तारीख को। अब देखिए, उसी आदेश के परिपालन में कार्यालय शासकीय हाई स्कूल यहाँ पर कचरौन संकुल काव्य यहाँ पर डाइस कोड है स्कूल का 19/9/2023 को, यानी आज यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा जो फॉर्मेट है इसका प्रपत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चैनल में, अगर ज्वाइन मेंबर हैं, नहीं तो सिंपल से कागज पर बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जानकारी चाहिए गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुनील कुमार प्रजापति और इन्होंने पात्रता परीक्षा पास किया है तो यस है, और इनका जो सन है कि सन में पास किया है तो 2019-22-23 तीनों डाल दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जो 19 है उसमें जो रिजल्ट आया था 2018 वालों का आया था लेकिन अंकसूची में 19 अंकित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओबीसी कैटेगरी से है यहाँ पर लिखना है और मेल है और ये वर्ग 2 के संस्कृत के में पास किए हुए हैं, 92.41 का नंबर है। फिर यही स्कूल पर, इसी स्कूल पर श्रवण कुमार लभवंशी हैं जो कि ये भी परीक्षा पास हैं 2000 यहाँ पर देख सकते हैं 22-23 ओबीसी हैं और ये वर्ग 1 की अर्थशास्त्र में 82.67 यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिकॉर्ड में अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड, स्वप्रमाणित छाया प्रति, पात्रता परीक्षा की अनुसूची की, जात प्रमाण पत्र, डीएड उपाधि स्वप्रमाणित और आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, और इनके प्रिंसिपल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर देखिए, सुनील कुमार प्रजापति और श्रवण कुमार के नाम सिग्नेचर, और ये जो संस्था प्रधान है प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कचरौन जिला राजगढ़ के, यहाँ पर हस्ताक्षर और सील यहाँ पर लगा हुआ है। ये स्कूल की तरफ से जाएगा और ये अतिथि शिक्षकों के द्वारा भर के
यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलग अलग है अतिथियों के लिए ये जानकारी, जैसे है अतिथि शिक्षक का मोबाइल नंबर, स्कोर कार्ड जो में दर्ज है, उत्तीर्ण है कि नहीं है, पात्रता परीक्षा का जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, वही चीज़ है जो ऊपर दिखाए हैं, लेकिन ये अलग अतिथि शिक्षक का है। ऊपर वाला जो है तो स्कूल के अंतर्गत जितने भी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वो सभी के लिए है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से टिक करना है, ये जिस कैटेगरी में वर्ग में पास हैं, जैसे 2022 में इन्होंने वर्ग 3 का उत्तीर्ण किया है, 2023 में इन्होंने 82.67 यहाँ पर 2023 में किया है, OBC कैटेगरी के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये इनके द्वारा भर के सिग्नेचर करके ये जो है यहाँ पर स्कूल में जमा किया है और उसको स्कूल के माध्यम से यहाँ पर इसको भेज दिया गया है संकुल के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपके यहाँ इस तरह का फॉर्म अभी नहीं भरवाए हैं तो जल्दी से भर के स्कूल से संकुल में भिजवा दीजिए, और संकुल वाले अगर आदेश नहीं जारी किए तो उनको भी यहाँ पर अवगत कराएं लोक शिक्षण के इस आदेश के बारे में। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।